हेलो वेलकम एवरीवन। हाय दीपा, हाय राज डिजिटल। लाइट बहुत ज़्यादा है आज, लाइट थोड़ी पाछड़ है। हाय नेहदी चावड़ा, हाय हेलो, हाय जीनल, हाय हीरल, हाय मेलिटा, हाउ आर यू, थैंक यू। So are you all excited? Actually, like no words. Yes, perfect. Too much yellow light down or turn white light. It is done. Hello, hi Sashmita. Hi ma'am, bol masta lagu sa. Thank you. How are you? Very excited. Even I'm very excited. So first of all, I would like to thank Satish for inviting me on his page, and you know, I'll be showcasing my talent and my skills of makeup with you all, and I hope you all are excited. क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अनोखा और अलग है. सो आज हम सीखेंगे सुपर गॉर्जियस. थैंक यू. तो आज का जो टॉपिक है, I love you too. सो द टॉपिक फॉर टुडे इज नवरात्रि लुक. भले वो नवरात्रि लुक है, ठीक है, हाय शैला दीदी, नवरात्रि लुक है, ठीक है, बट उसमें मैं जो मेकअप टेक्निक मैं बताने वाली हूँ ना, वो आप ब्राइड्स में भी यूज कर सकते हो, और जो बेस का टेक्निक है, जो भी मैं आज बताने वाली हूँ सारा मेकअप के बारे में, तो कैसे होता है नवरात्रि में हम जब खेलने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्वेट अ लॉट. अगर तो फिर वो क्या मेकअप हम करें सो दैट वो स्वेटिंग जो है वो थोड़ा सा यू नो कम हो, और स्वेटिंग से अपना मेकअप खराब ना हो. तो सारी वही सब ट्रिक्स लेके आई हूँ मैं आज. और नवरात्रि का जो लुक है वो तो एक बहाना है, बट इसके साथ जो भी मैं मेकअप आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज. सो लाइक वी से कि अगर हमें समर सीजन है और हम क्रीमी प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो क्या होता है ना कि वो क्रीम से और पिघलने लगता है और स्वेट से और मेल्ट होता है अपना मेकअप, राइट? वाओ मैम इंटरेस्टिंग. यस इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टुडेज टॉपिक. थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस क्लास. थैंक यू, माय प्लेजर. हाय आस्था. सो आई वाज टेलिंग यू ऑल अबाउट टुडेज लुक. और मैं मेकअप जो मैं ऐसे करने वाली हूँ सो दैट आप स्वेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम कम कर सकते हैं. प्रोडक्ट्स उसके लिए हम क्या यूज़ करें, आज पूरा जो मेकअप है वो पूरा अलग होगा, ठीक है. जैसे मैं आपको बता रही थी कि अगर हम गर्मी वेडिंग समर सीजन में जो ब्राइड्स होती है उनको मेकअप कैसे करें, ये भी आपको ट्रिक्स मिल जाएगा. तो ये मैंने जैसे बोला, ये नवरात्रि का लुक तो एक बहाना है, बट इसमें जो मेकअप मैं यूज़ करने वाली हूँ वो बहुत ही आप लोगों को ब्राइड्स के लिए भी काम आएगा, नॉट ओनली फॉर नवरात्रि बट ब्राइड्स के लिए भी काम आएगा. हाय काकी. सो देयर आर मेनी पीपल हु हैव जॉइंड इन. हाय कंचन, हाय सोनल, हाउ आर यू ऑल, हाय बोरा रजनी, हाय भाविका. सो वी एक्साइटेड फॉर टुडेज लुक. एंड हाँ, आज मैंने खुद के ऊपर नहीं बट मैंने आज मॉडल बुलाई है, हीरल. शी इज माई मॉडल, शी इज माई सिस्टर ऑल्सो. सो मैंने उसको आज बुलाया है एंड शी इज ऑल सेट एंड रेडी फॉर टुडेज लुक, एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट. और एक चीज है, मैं इसमें जो आई मेकअप बताने वाली हूँ वो होगा अपना देसी आई मेकअप, बट उसमें मैं थोड़ा इंटरनेशनल तड़का डालने वाली हूँ. तो अगेन यू नो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टुडे. वीडियो सेव करना मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम है पक्का. हाँ आज एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है बिकॉज ऑफ द रेन, सो प्लीज कोऑपरेट गाइज. हाय 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 शर्मिला बेन, हाय मिस, दिस इज माई फर्स्ट अटेंड टू योर लाइव सेशन. थैंक यू सो मच एंड वेलकम. आई होप यू लाइक माई मेकअप वट एवर आई एम गोइंग टू टीच. मेरा आज का जो भी यू नो मेन मोटिव एंड एम है आप लोगों को आप लोगों को ये नॉलेज देना है कि देखो मेकअप में कोई रूल्स नहीं होते हैं, बट हर एक स्किन टाइप अलग होता है, हर एक वेदर के हिसाब से हमको मेकअप प्रोडक्ट्स चुनने होते हैं, राइट? तो जब हम खेलने जाते हैं नवरात्रि में, जब खेलने जाते हैं तो वी डांस एंड वी स्वेट अ लॉट, तो फिर वो मेकअप हमारा इम्पैक्ट कैसे रहे कॉम्पैक्ट, मतलब अपने स्किन से हिले नहीं, मेल्ट ना हो, उसके हम क्या ध्यान रखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अवॉइड यूजिंग क्रीमी प्रोडक्ट्स, ओके? क्रीम प्रोडक्ट्स हमको जितना हो सके उतना नहीं यूज़ करना है.
ठीक है, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग. नाइस टॉपिक. यस, शी इज जस्ट ऑसम. थैंक यू. माइनस सेकेंड. ओके, दी वीडियो सेव करो. यस, पक्का आई एम गोइंग टू सेव द वीडियो. सो आई हीरोइन मने तो हाय कर. हाय हाय दर्शना मेकअप एंड मोर. दर्शना दीदी, हाउ आर यू? सो चलो लेट्स स्टार्ट. एक्चुअली आई एम कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लाइक ऑलमोस्ट अ वीक. लास्ट में वीक में आई थी, वो मैं मारवाड़ी लोग लेके आई थी. देखो मेरा आपकी लिपस्टिक बहुत ही जोरदार है. मेरा लिपस्टिक जो शेड है, दैट इज विक्सिन फ्रॉम हुदा ब्यूटी. विक्सिन, वी आई एक्स ई आई एन. हाँ, सतीश यार. ओ हाय सतीश, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर पेज. एंड आई होप आपके जो व्यूअर्स, आपके जो फॉलोअर्स हैं, उनको भी मेरा जो अभी आज का जो सेशन है वो पसंद आए. नेटवर्क प्रॉब्लम है, पॉज हो रहा है. मेरे घर पे तो वाईफाई चल रहा है, सुबह से बंद था बट अभी लकीली स्टार्ट हो गया है. सो लेट्स स्टार्ट एंड डोंट वरी, ये वीडियो मैं सेव करने वाली हूँ. तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट. I'll call Hiral now. Hiral, I'm sorry. थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देती हूँ सो देट हम लोगों को मजा आए काम करने में. सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आज ज्यादा करके वॉटर बेस और पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ. मैं क्रीमी प्रोडक्ट जो है वो थोड़े से अवॉइड करूंगी. तो यहाँ पर मैं जो मॉइस्चराइजर ले रही हूँ वो है पीएसी का एक्वा ब्लास्ट. दिस इज अ वॉटर बेस्ड मॉइस्चराइजर. Already is looking so beautiful now. I'm just excited for the final look. ठीक है, light अभी ठीक है. Beautiful model. Yes, she is very beautiful. चलो ये जब तक skin absorb कर ले तब तक हम भी सिलिकॉन प्राइमर भी यूज कर सकते हो. यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर सो दैट जो भी सारे जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाए. और ये है सिलिकॉन बेस प्राइमर. आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो प्राइमर है सिलिकॉन बेस्ड पोर प्राइमर जो होता है स्पेशली, वो आपको टी जोन के एरिया में लगाना है. बिकॉज टी जोन ज्यादा करके लोगों का स्वेटी और ऑयली होता है, तो वो ब्लॉक करने के लिए हमें पोर प्राइमर जो है सिलिकॉन प्राइमर जो है वो आपको टी जोन में ज्यादा करके लगाना है. ठीक है, मैंने फर्स्ट मैंने क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करके रखा था. फिर मैंने मॉइस्चराइजर जो लगाया था
वो है एक्वा ब्लास्ट फ्रॉम पीएसी। उसके बाद मैंने अभी लगाया है फोटो फिनिश प्राइमर, ठीक है, फोटो फिनिश प्राइमर फ्रॉम स्मैश बॉक्स। आप कलर वाव का भी ले सकते हो, कोई भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आप ले सकते हो। ओके, जब तक ये स्किन में थोड़ा सा सेट हो जाए तब तक मैं फाउंडेशन का तैयारी कर लेती हूँ। मुझे फाउंडेशन में कौन सी यूज करने वाली हूँ वो भी आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आपको फाउंडेशन जो आप लेने हैं वो सारे हाई फुल कवरेज फाउंडेशन ही लेने हैं। ओके, आप हुदा ब्यूटी भी ले सकते हो, आप नार्स भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं दोनों को मिले रही हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब 2:1 रेशियो में 2 drops ऑफ हुदा ब्यूटी एंड द शेड इज लाते एंड 1 drop ऑफ नार्स एंड द शेड इज अरूबा। ओके, द लेंस इज फ्रॉम स्वाति वर्मा। इसमें मैं 2 drop ड्यूरालाइन का ऐड कर रही हूँ, 2 drops ऑफ ड्यूरालाइन। आप पीएसी का जो ड्यूअल फोल्ड लिक्विड है वो भी ले सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इससे होता क्या है, इससे जो आपका मेकअप जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, अच्छे से स्टे करता है। तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 drops ऑफ ड्यूरालाइन। इट हैज अ गुड प्रॉपर्टी ऑफ स्टिकिंग द बेस। आप कोई भी प्रोडक्ट में ड्यूरालाइन डालोगे एक तो उसमें शाइन आ जाएगा और साथ ही साथ उसमें जो लास्टिंग पावर है, जो टाइम तक वो रुकने वाला है वो उससे थोड़ा ज्यादा निकलेगा। शेड जो मैंने लिया है वो है लाते फ्रॉम हुदा ब्यूटी और नार्स का अरूबा। क्योंकि मैं ज्यादा क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने वाली हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखना। ब्रश इज कैंडी, दिस इज माई फेवरेट ब्रश, आप लोगों को रखना बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छा ब्रश है ये एंड द नंबर इज कैंडी 046, कैंडी 046। एक सेकंड ना, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेती हूँ।
ये ब्रश से ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छा हो जाता है। यस 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 ब्यूटी ब्लेंडर है, आपको ये चाहिए तो आप ब्यूटी सीक्रेट से ऑर्डर कर सकते हो। ब्यूटी सीक्रेट में आपको सारे हाई एंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैं हाइलाइटिंग करूँगी वो मैं कोई भी क्रीम कंसीलर यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। मैं ट्यूब कंसीलर यूज़ करूँगी। क्रीम कंसीलर से क्या होगा ना, वो क्रैक्स आ सकते हैं, वापस से क्रीम होल है प्रोडक्ट। तो आई विल बी यूजिंग PAC का नंबर 1 व्हिप्ड वनीला शेड। ब्लेंडर जो है वो है ब्यूटीलिशियस का। बस इतना ही। जितना कम प्रोडक्ट उतना आपका मेकअप ज़्यादा टिकेगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखो। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आप लगाओगे उतने क्रैक्स ज़्यादा आएंगे, मेल्ट ज़्यादा होगा। ऑलवेज यूज लेस प्रोडक्ट। आपने मैंने कितने कम प्रोडक्ट में पूरा ब्लेंडिंग कर दिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ NC 30 MAC का NC 30 स्टूडियो फिक्स, ठीक है। स्टूडियो फिक्स इसके लिए क्योंकि ये कवरेज भी अच्छी देता है और आपके बेस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसमें आप थोड़ा सा पाउडर ले सकते हो। यहाँ पर मैं जो ले रही हूँ वो है यूरो पेरिस का। आज आप बेस देखना, इतना फटाफट बेस बन जाएगा और ये बेस टिकेगा भी बहुत ज्यादा। ओके, इसका जो शेड है वो है इंडियाना। प्रोडक्ट को वहीं पे रहने दो सो दैट वो अच्छे से बेक हो जाए। अब मैं ले रही हूँ पाउडर कंटूरिंग, ठीक है। पाउडर कंटूरिंग मैं ले रही हूँ, आप बेनिफिट का ले सकते हो हुला। यहाँ पर मैं जो ले रही हूँ वो है इंग्लॉट का 19 नंबर।
अब आपने देखा मैंने कोई क्रीम कंटूर क्रीम ये हाईलाइट नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली पाउडर कंटूर स्टार्ट कर दिया है और आप देख सकते हो उसका रिजल्ट बहुत ही इजी भी हो जाता है ये ब्लेंडिंग करने में भी, और स्पेशली ये टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता है। बोलते हैं ना इंस्टेंट फटाफट वाला ब्राइड्स भी आप जब करोगे ना तो इफ़ यू यूज़ दिस टेक्निक तो उसका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और कैसे होता है देखो क्रीम प्रोडक्ट आप ब्लेंडिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसको हम निकालेंगे कैसे, राइट? तो आप अगर बिगिनर हो तो आप पहले पाउडर कॉन्टूरिंग से ही स्टार्ट करो। कॉन्टूरिंग हम इसके लिए करते हैं सो दैट हमारा जो फेस का जो शेडो है जो भी शेप है वो वापस से आ जाए, क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो पूरा फेस फ्लैट हो जाता है, ठीक है, पूरा एक कैनवास हो जाता है, फिर उसको हम स्कल्पिंग वापस से करना होता है कॉन्टूरिंग और हाईलाइटिंग से। ब्रश आई एम यूजिंग इज फ्रॉम प्रोवाट PF12। और आप देख सकते हो कितना इंस्टेंट कितना फटाफट हो गया है अपना बेस। यहाँ पर मैं ब्लशर यूज कर रही हूँ इमैजिक पैलेट। फ्रेंड्स दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पैलेट। टार्ट भी ले सकते हो आपके पास अगर टार्ट है तो। Whenever you're applying a blusher, you have to make sure कि आपकी जो iris है वो iris के अंदर नहीं जाना चाहिए और eyebrow के end के बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? So this is the area where you blush. Very quick and she's looking amazing. Thank you so much. Can you see how fast I'm doing and how कितना फटाफट हो रहा है ये? It's a really good suggestion of powder contouring. Thank you so much, ma'am. Your technique very easy. Yes. अब ये जो है ये है Laura Mercier का highlighting palette. आज तक हम लोगों ने सीखा था कि हमें हाइलाइटिंग यहाँ पर करनी होती है, बट दैट इज़ रॉन्ग। आपको हाइलाइटिंग करनी है आपके टेम्पल पॉइंट पे, ठीक है? सो दैट क्या है ना, देखो रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन जहाँ जहाँ आ रहा है वहीं वहीं आपको हाइलाइटिंग करनी है। You are the best. Thank you so much. This is so easy. No confusion, confusing talk. Thank you. Thank you. ठीक है अब मैं
Anastasia Beverly Hills का जीवी सेट गरबा खेलने जाने के का इनके लिए ऐसा भी बहुत टाइम नहीं होता है फॉर मेकअप सो फास्ट मेकअप इज इम्पॉर्टेंट इन नवरात्रि येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो ये जो मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ इट इज़ नॉट ओनली फॉर गरबा बट यू कैन यूज़ दिस टेक्निक फॉर योर ब्राइड ऑल्सो इन द समर बिकॉज यहाँ पर हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं वो सारे पाउडर प्रोडक्ट्स मैं ज़्यादा करके यूज़ कर रही हूँ क्रीम प्रोडक्ट्स का आप अवॉइड करो सो दैट क्रीम और स्वेट वो आपका बेस हिला सकता है तो यूज़ पाउडर प्रोडक्ट एज जितना हो सके उतना ब्लश पैलेट नेम इज इमेजिक फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मजा आ रही है आज ये सेशन देखने के लिए सो गुड मिस ब्लश पैलेट नेम इज इमेजिक अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ इंग्लॉट का जेल लाइनर नंबर 77 उसके पहले मैं प्रोवाट का काजल ले रही हूँ और आज हम जो भी आई मेकअप करेंगे वो हम उल्टा करेंगे ठीक है मतलब हम कैसे करते हैं हर बार अपर लिड से स्टार्ट करते हैं आज हम लोअर लिड से स्टार्ट करेंगे एंड आई होप फ्रेंड्स यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस सेशन प्लीज शेयर योर व्यूज enjoying a lot also ma'am yes this is this live video is going to be saved and I have applied a Provat ka kajal pencil फ्रेंड्स
मेरा हर बार मैं जो आपको लुक बोलती हूँ वो लुक तो एक मेरा बहाना होता है कि ये लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ, बट ऐसा लुक वो कुछ ये होता नहीं है। आप कोई भी मेकअप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। मेरा मेन एम है, मेन मोटिव है कि आप लोगों को मैं मेकअप टेक्निक सिखा पाऊँ, जितना हो सके उतने मेकअप टेक्निक्स मैं लेके आऊँ और सिखा पाऊँ। मैंने अभी इंग्लॉट का जेल लाइनर लगाया है, वो है नंबर 77। अब आप कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश लेके उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। मैं यहाँ पर पेंसिल ब्रश का यूज़ करने वाली हूँ, और जो पेंसिल ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो है मॉर्फे का, मॉर्फे M321। चमक आ गई है एकदम इंस्टेंट ना। अब यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का यूज करूंगी, आप कोई भी डार्क ब्राउन भी ले सकते हो। चलो लेट्स टेक डार्क ब्राउन। नाउ दिस इज अनास्तासिया बेवरली हिल्स का सबकल्चर पैलेट जेल लाइनर इज फ्रॉम इंग्लॉट। ब्रश को थोड़ा सा क्लीन करके अब मैं रेड कलर यूज करने वाली हूँ। यहाँ पर आज का जो मैं आई मेकअप है ना वो बहुत ही पसंद आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को भी पसंद आएगा, और आएगा पसंद आएगा, जरूर आएगा। आप कोई भी रेड कलर ले सकते हो। यहाँ पर मैं कैंडी का रेड कलर ले रही हूँ। कैंडी के जो अच्छे सारे शेड जो सिंगल सिंगल मिलते हैं ना वो आप कस्टमाइज कर सकते हो पैलेट में। Can you see the transition? ये है इंटरनेशनल टेक्निक। ये हम यहाँ पर नहीं करते थे, बट अभी जहाँ जब से मैंने ताकि गोवेनो से सीखा है ना, सो दिस इज द टेक्निक विच आई एम यूजिंग। अब थोड़ा सा मैं इसमें येलो कलर ले रही हूँ। आप कोई भी आई शेडो ब्रांड यूज कर सकते हो।
यही चीज़ आप अपने ब्राइड्स पे भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं अपन लिड पे आऊँगी, अपन लिड पे आप कोई भी कोरल कलर का, लाइट कलर का एक बाउंड्री क्रिएट करो क्रीज लाइन पे। यहाँ पर आपको आई प्राइमर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट्स में वो कमेंट्स हैं। So I have my friend here and he will be reading the comments because मेरे बहुत सारे comments जा रहे हैं। मतलब आई धीमे धीमे तो बोल, धीमे धीमे बोल। सुष्मिता amazing, thank you Sushmita, thank you। Slow Sudanti wow, thank you। कोई भी एक फ्लफी ब्रश लेके आपको एक बाउंड्री क्रिएट करना है। हाँ ऊपर Sushmita says you are healthy, welcome man. Komal Manani super. Thank you. England का gel liner वापस से ले रही हूँ मैं। अब ये चीज को आपको ब्लेंड करना है। यहाँ पर मैं प्रोआर का ब्रश यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का यूज कर रही हूँ और ब्लैक कलर जो मैं ले रही हूँ वो है बुदा ब्यूटी का, बुदा ब्यूटी का पैलेट एंड द शेड इज ब्लैक ब्लैक ट्रफल। खजरा शेख सेज वाव सुपर ब्लेंडिंग, थैंक यू। स्नेहा मेकअप आर्टिस्ट सेज इज देयर एनी टेक्निक टू स्प्रेड द काजल? नो, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट गो आउट ऑफ द क्रीज लाइन। हीरल पटेल थ्रू आउट ब्रश, व्हिच ब्रश नंबर?
इसमें ब्रश नंबर नहीं है बट ये सीधा सर लवली मेकओवर से गुड वर्क है थैंक यू अभी यहाँ पर जो रेड कलर लिया था मैं वही रेड कलर ले रही हूँ और उसके ऊपर डैप कर रही हूँ टैलेंटेड लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू थैंक यू सो मच एंजल स्किन इमेज लेंसेज स्वाति कृष्ण प्रीविक से इनर कॉर्नर पे कौन सा हाइलाइटर लगा
हाइलाइटर नहीं लगाया है मैंने, फेरा रुचि का लाइनिंग कलर लगाया है मैंने, फेरा रुचि का लाइनिंग कलर लगाया है उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ हुदा ब्यूटी का 3D हाइलाइटर पैलेट और द शेड इज संतोरिनी। Thank you.
liner. I'm taking in lot gel liner. Eyebrows.
मैं फेरा रुशी का जेल यूज करने वाली हूँ। सो इट हैज अ नाइस किट ऑफ वन ब्रश, स्पूली एंड जेल, एंड द शेड इज 03। नेहा मेकअप आर्टिस्ट विच ड्यू यू यूज डुओ। Which company grow gel you are using? This is from Ferrero Rocher. गुजराती हैं आप, सब कमेंट पे जवाब जल्दी दे रहे हो, हमें मिल सके। अब आपका जो लैश ग्लू होता है वो लेना है।